नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्वच्छ शहर इंदौर के एयरपोर्ट से लेकर बड़ा गणपति चौराहा तक की सड़क को सजाने संवारने सहित अतिक्रमण हटाने व अन्य सुविधाओं को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज क्षेत्र का दौरा किया, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने निवेदन भी किया। दरअसल स्वच्छता में 6 बार पूरे देश में नंबर 1 रहने वाले इंदौर शहर में कई सड़कों पर बेतहाशा अतिक्रमण हो रहे हैं, जिससे शहर का ट्रैफिक बिगड़ने के साथ ही स्वच्छता पर भी बट्टा लग रहा है। इंदौर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज एयरपोर्ट से बड़ा गणपति चौराहे तक की सड़क का बुधवार को दौरा किया। इस दौरान निगम के अधिकारियों से उन्होंने सड़क की दोनों ओर अतिक्रमण हटाने और किस तरह शहर की सड़क की खूबसूरती बढ़ाई जाए, इसको लेकर चर्चा भी की। मेयर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये सड़क शहर में बहुत महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से आने वाले लोग पहली नजर में शहर को देखकर स्वच्छ शहर के लिए अपना मन बनाते हैं। स्वच्छता के लिए हमारा इंदौर पूरे देश में प्रसिद्ध है, वहीं यातायात की दृष्टि से भी ये रोड मॉडल हो, इसको लेकर बीते वर्ष MIC में ट्रैफिक की दृष्टि से इस सड़क को मॉडल बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका काम लगभग अंतिम छोर में है, जिसके अंतर्गत होकर जोन फुटपाथ सहित ऐसे मार्ग संकेतक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगाए जाएंगे जो यातायात को बताएंगे। वहीं मेयर ने सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से होने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर भी बात कही और शहरवासियों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को लेकर निवेदन भी किया। गणपति से लेकर एयरपोर्ट तक की रोड इंदौर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से आने वाले लोग पहली नज़र में इंदौर को देखकर अपना मन बनाते हैं। स्वच्छता के लिए इंदौर देश भर में प्रसिद्ध है। यातायात की दृष्टि से भी ये रोड मॉडल हो, इसलिए हमने पिछले साल MIC में इस रोड को ट्रैफिक की दृष्टि से मॉडल रोड बनाने का निर्णय लिया था, जिसका काम लगभग अब अंतिम छोर में है, जिसमें हॉकर जोन भी है, फुटपाथ भी है और रोड साइनेजेस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रैफिक को बताते हैं वो भी यहाँ लगेंगे। साथ ही सड़कों पे से, फुटपाथ पे से अतिक्रमण ख़त्म हो, इसलिए हॉकर जोन के माध्यम से भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी और जिन लोगों ने सड़कों पे अतिक्रमण किया है उनको समझाइश भी दी। छावनी में एक कार्रवाई की गई है, छावनी में पे चर्चा हुई थी विधानसभा 3 में 2014 में गार्डन की जमीन पे जो कब्जा था, एक धर्म स्थल टाइप भी बना लिया गया है। कल मीटिंग में जो जो ऐसे स्थान आए थे जहां अवैध रूप से कब्जा किया गया है उन सब पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, उसी में से वो एक स्थान है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।